देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो लोगों के मन की इच्छा को देखते हुए हरियाणा वासियों की जो इच्छा है उसको देखते हुए हरियाणा विधानसभा के अंदर जो यूनैनिमस रेजोल्यूशन हुआ था कि जो एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, उस मांग को पूरा किया है। और उसके साथ साथ मन की बात के अंदर जो उन्होंने प्रेरणादायक किस प्रकार से हमें योग के साथ जुड़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें खेलों के साथ जुड़ना चाहिए। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो लोगों के मन की इच्छा को देखते हुए हरियाणा वासियों की जो इच्छा है उसको देखते हुए हरियाणा विधानसभा के अंदर जो यूनैनिमस रेजोल्यूशन हुआ था कि जो एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, उस मांग को पूरा किया है। और उसके साथ साथ मन की बात के अंदर जो उन्होंने प्रेरणादायक किस प्रकार से हमें योग के साथ जुड़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें खेलों के साथ जुड़ना चाहिए। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो लोगों के मन की इच्छा को देखते हुए हरियाणा वासियों की जो इच्छा है उसको देखते हुए हरियाणा विधानसभा के अंदर जो यूनैनिमस रेजोल्यूशन हुआ था कि जो एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, उस मांग को पूरा किया है। और उसके साथ साथ मन की बात के अंदर जो उन्होंने प्रेरणादायक किस प्रकार से हमें योग के साथ जुड़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें खेलों के साथ जुड़ना चाहिए। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो लोगों के मन की इच्छा को देखते हुए हरियाणा वासियों की जो इच्छा है उसको देखते हुए हरियाणा विधानसभा के अंदर जो यूनैनिमस रेजोल्यूशन हुआ था कि जो एयरपोर्ट है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, उसका नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, उस मांग को पूरा किया है। और उसके साथ साथ मन की बात के अंदर जो उन्होंने प्रेरणादायक किस प्रकार से हमें योग के साथ जुड़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें खेलों के साथ जुड़ना चाहिए।